एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी मैदे की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो काफ़ी इजीली बनकर रेडी हो जाती है और मावा के बर्फ़ी के जैसे ही खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, इसको अच्छे से छान लेंगे। पहले बहुत ही कम चीज़ों से हमारी बर्फ़ी जो बनकर तैयार हो जाती है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमने सारे मैदा को छान लिया है और अब एक फ्राई पैन को गैस के ऊपर रख लेंगे और इसमें हमने आधा कप घी ऐड कर लिया है। हमारे यहाँ गाय का दूध आता है, इसलिए घी भी हमारा जो थोड़ा सा येलो कलर का है। तो अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। पहले पहले तो ये मिक्सचर काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा है आपको देखने में, तो जैसे जैसे इसको हम रोस्ट करेंगे ये अपना घी जो है रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। ये देखिए हल्का हल्का सा हमारा जो मैदा है वो भुन गया है। इसका कलर नहीं हमने चेंज करना, बस इसको हल्का सा भूनना है, इसका कच्चापन सा निकल जाए। तो ये हमारा मैदा जो है भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन ले लिया मैंने, उसमें 1 कप चीनी ऐड की है। चीनी को मैंने उसी कप से नापा है जिससे हमने मैदा नाप के डाला था, वो भी 1 कटोरी के बराबर ही था। अब इसमें आधा कप पानी ऐड कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी, हमने एक तार की चाशनी रेडी करनी है। ये देखिए तार तो बन रहा है लेकिन बीच बीच में टूट रहा है, तो थोड़ा सा और पका लेंगे इसे आधा मिनट के लिए। आधा मिनट के बाद फिर चेक करते हैं हम। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर आपको मैं चेक करके पास से दिखाती हूँ। अब देखिए हमारी 1 तार की चाशनी जो है रेडी हो चुकी है। बस इतना ही चाशनी को पकाना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो हमने चाशनी बनाई है इसको वो मैदा जो हमने भून के रखा था उसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चाशनी को हमने मैदे में मिक्स कर लिया है और अच्छे से इसे हिला लेंगे अच्छे से। ये पहले पहले तो काफ़ी लिक्विडी सा लगेगा। इसके साथ ही मैंने एक फ़्लेवर के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। और ये देखिए थोड़ा लिक्विडी सा लग रहा है पहले पहले, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा अपने आप ही थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और ये जो मिक्सचर बना के रखा था सारा हम इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर जो है एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको हल्के से टैप करेंगे और कुछ मैंने पिस्ता काट के रखे थे उसके साथ इसको गार्निश कर लेंगे। इसके बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे और 2-3 घंटे के बाद ही हम इसके पीसेस कट करेंगे। ये देखिए पिस्ते से हमने अच्छी तरह से इसको सजा लिया है। ये 3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। बर्फ़ी जो हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे चौकोर पीसेस में कट कर लेते हैं। ये देखिए काटने से आपको पता चल जाएगा काफ़ी सॉफ्ट बन के रेडी हुई है हमारी बर्फ़ी। ऐसे अब इसके साइड, पहले तो साइड से पीसेस निकाल लेंगे, फिर धीरे धीरे से जो स्मूथ पीसेस हैं वो निकाल के हम एक प्लेट में प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। तो चलिए फिर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे पीसेस को प्लेट में निकाल लिया है। हमारी मैदे की बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है और कोई खाकर आपको बता नहीं सकता किसे आपने मैदे से बनाया है या मावा से। काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है, मावा के जैसे ही बर्फ़ी के जैसे। और आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।